भारत का एक परिपक्व लोकतंत्र हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, चुनाव अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है, उसकी ग्लोबल वैल्यू होती है, उस समय अपनी सोच की मर्यादाओं के कारण, विचारों में पनपी हुई विकृति के कारण, इतने बड़े जनादेश को हम ये कह दें कि आप तो चुनाव जीत गए लेकिन देश चुनाव हार गया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा जनता जनार्दन का अपमान नहीं हो सकता। ये एक सामान्य वाक्य नहीं है, ये गंभीर रूप से देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और जब ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुर में हिंदुस्तान हार गया? क्या और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया? क्या ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया, मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? अहंकार की एक सीमा होती है, अहंकार होना ही नहीं चाहिए, सीमा का कहां सवाल है। लेकिन इस प्रकार का मैं जरा जानना चाहूंगा, 17 राज्य 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आसानी से कह देंगे देश हार गया? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा बोल करके हमने मतदाताओं के विवेक पर ठेस पहुंचाई, देश के मतदाताओं को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूं और लोकतंत्र में वो स्वीकार्य भी है, इतना ही नहीं आलोचना सम्मानित है, लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है। और तब जाकर के हो सकता है मेरी वाणी में कोई आक्रोश भरे शब्द भी हो, लेकिन वो मेरे दल के लिए नहीं है, इस देश के परिपक्व लोकतंत्र के लिए है, भारत के संविधान निर्माताओं की समझदारी के लिए। और हमारा हम इस चुनाव में देखें 40-45 डिग्री टेम्परेचर और लोग दिन दिन भर कतार में खड़े, 80-90 साल के बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर के वोट करने के लिए जा रहे थे, कई ऐसे चुनाव का काम का जिम्मेवारी संभालने वाले अधिकारी, 2 दिन पहले मां की मृत्यु हुई है लेकिन चूंकि चुनाव के अधिकारी के नीचे जिम्मेवारी है, वो ईवीएम मशीन का दफ्तर उठा करके किसी गांव में गया है ड्यूटी करने के लिए। कितने कितने लोगों के तपस्या के बाद ये चुनाव होता है और हम ऐसे ही देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं।